भाजपा महिला मोर्चा सोलन मंडल ने मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रेशमधर सूद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सभी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने अपने हाथों से बनाए मास्क का लघु सचिवालय में वितरण किया। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने उपायुक्त सोलन केसी चमन को ग्लव्स और सैनिटाइजर भी भेंट किए और जरूरतमंदों को वितरित करने का आग्रह भी किया। वहीं सभी महिलाओं ने जिला सोलन वासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रेशमधर सूद ने बताया कि आज समूचे हिमाचल में महिला मोर्चा की महिलाओं ने 2000 मास्क और 2000 सैनिटाइजर वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी मास्क उनकी महिला मोर्चा की सदस्यों ने बनाए हैं। सूद ने यह भी बताया कि महिला मोर्चा को 10 लाख फेस कवर वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन महिला मोर्चा ने 19 लाख फेस कवर बनाए हैं और उन्हें वितरित किया है। उन्होंने बताया कि हर एक बूथ पर 10 महिलाओं को 1000 मास्क बनाने का 20 मई तक का लक्ष्य दिया गया है। सभी को साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज सारे प्रदेश में 12 बजे तक फेस कवर जो हैं वो जो उन्होंने इतने दिनों से मेहनत करके बनाए थे, आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने रखा है। और आज उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी सोलन का जो मंडल है वो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आकर हमने आज 2000 फेस कवर और 200 बॉटल्स जो हैं वो सैनिटाइजेशन की जो हैं वो दी हैं महिला मोर्चा की तरफ से। मैं सभी महिला मोर्चा प्रदेश और अपने सोलन मंडल की महिला मोर्चा का साधुवाद करती हूं, धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने एक आवाज़ पे पूरे देश और प्रदेश के लिए जो है वो फेस कवर बनाए हैं। हमने 10 लाख का टारगेट रखा था, पहले चरण में वो पूरा हो गया है। आज इस वक्त हमारे पास 19 लाख से ऊपर जो है वो फेस कवर हमने बनाए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमने एक नया टारगेट दिया है, एक बूथ पे 10 बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, एक बूथ पे 1000 फेस कवर दोबारा से बनाने का, और वो मुझे उम्मीद है कि वो अब हमारे तैयारी उस पे हो जाएगी और वो शुरू हो जाएंगे और 20 तारीख तक 20 मई तक उस टारगेट को हमें पूरा करना है। फेस कवर लगा के ही आपको 2020 का साल जो है वो गुजारना होगा। अपने लिए घर में खुद बनाएं, दूसरों को दें, यही उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आपका धन्यवाद करती है।